और भिंड से है जहां बीए बीएससी परीक्षा में सामूहिक नकल हुई। परीक्षार्थियों के नकल करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सामूहिक नकल करते नजर आए परीक्षार्थी, एसडीएम ने परीक्षा केंद्र पहुंचकर जांच की। एसडीएम विजय यादव ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। परीक्षा रद्द करने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा था। दबोह कस्बे के स्कूल में बने सेंटर पर यह नकल हुई है। तो यहाँ बड़े रूप में जो है नकल करवाई जा रही है, जिसमें पर्यवेक्षक और यहाँ का जो परीक्षा केंद्र प्रभारी है वो सम्मिलित है जी। और जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी जो है हम लोगों ने ले ली है, तो उसमें भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप लोगों के पास भी फुटेज पहुँच गई है उसमें सर, झुंड के झुंड दिख रहे हैं, तो क्या फुटेज में स्पष्ट रूप से? बिल्कुल, वो फुटेज यहीं की है जी। और जो है वो सारी चीज़ें उसमें सेव हैं और उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पर्यवेक्षक दिखाई दे रहे हैं उसमें, यहाँ के केंद्र प्रभारी दिखाई दे रहे हैं जी। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई एविडेंस बेहतर हो सकता है। वहीं ग्वालियर में बाल बाल बचे सनराइज स्कूल के बच्चे। सनराइज स्कूल की वैन में यहां आग लग गई। आग लगते ही ड्राइवर फरार हो गया। लोगों ने बच्चों को किसी तरह वैन से बाहर निकाला। वैन में करीब 12 बच्चे सवार थे। भितरवार के गोहिंदा गांव की ये घटना है। अगली खबर उज्जैन से है, जहां होटल में अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। मोहन वासवानी के होटल पर यह हथौड़ा चला है। होटल शिव सागर के चौथे फ्लोर पर कार्रवाई हुई। चौथे फ्लोर पर किया गया अवैध निर्माण तोड़ा गया है। एसडीएम उपायुक्त की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई है। महाकाल मंदिर के सामने स्थित होटल पर यह कार्रवाई की गई है। आज ये महाकाल क्षेत्र जोन 3 में शिव सागर होटल है। उनको पहले भी नोटिस दिया जा चुका था कि आपके द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया है उसको आप हटा लीजिए, बट इनके द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके परिप्रेक्ष्य में आज कलेक्टर सर और निगम आयुक्त सर के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। जो इनका अवैध निर्माण था फोर्थ फ्लोर, उसको हटाया जा रहा है। उज्जैन में एक बार फिर अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ नगर निगम ने मुहिम छेड़ दी है। इस वक्त महाकालेश्वर मंदिर के सामने आप देख सकते हैं इस होटल पे कार्रवाई की जा रही है। शिव सागर एनएक्स होटल है, जिसपे जो उसका चौथे माले का जो लास्ट फ्लोर है इस पे अवैध अतिक्रमण किया गया था। नगर निगम की टीम के द्वारा इसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। वैसे मैं बता दूं कि महाकालेश्वर मंदिर के आसपास में जो विकास कार्य हो रहे हैं 500 मीटर के दायरे में कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धड़ल्ले से अवैध अतिक्रमण कर जो है होटलें बन रही हैं। होटलों पर जो है पहले ही अनुमति नहीं मिल रही है, इसके बावजूद भी अवैध रूप से होटलें बनाई जा रही है। अब नगर निगम ने जो है आज से मुहिम शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के इलाकों में जितनी भी अवैध होटलें बनी है उन पे कितनी कार्रवाई होती है। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। श्योपुर, शिवपुरी, दमोह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रही है कि यहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और खराब हो गई है। बाढ़ में फंसे छात्रों, ग्रामीणों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं शहर की निचली बस्तियों में भी पानी भर गया है। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, श्योपुर, शिवपुरी और दमोह की तस्वीरें। तीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पानी भरा हुआ है। लोगों को यहां पर नाव से रेस्क्यू किया गया है। शिवपुरी और दमोह में भी आपको सड़क नजर नहीं आ रही होगी, यहां पर भी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दमोह में तो जो टीचर थे वो बाइक पर थे और फंस गए इस पानी में, उन्हें रेस्क्यू किया गया। वहीं श्योपुर में स्कूल वैन ड्राइवर की लापरवाही के चलते छात्रों की जान जोखिम में आ गई। उफनती नदी के ऊपर से गाड़ी को निकाला, पानी में डूबे पुल से स्कूल वैन को पार कराया। बच्चों से भरी वैन को पुल से पार कराया गया। विजयपुर के एकलोद गांव का ये मामला है, जहां देखिए नदी में पानी किस कदर उफान में है और इस उफनती नदी से स्कूल वैन ड्राइवर ने इस वैन को बाहर निकाला।
छात्रों की जान को खतरे में डालते हुए इस पानी से स्कूल वैन बाहर निकाली गई है। चालू ना है रही, अब पहली वाला चालू है, वही दिनों अगर फिर बंद हो गई बड़ी हो। वहीं शिवपुरी में भारी बारिश का दौर देखने को मिला है। लगातार जारी पोहरी में बीते 24 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पोहरी से 24 गांव का संपर्क टूट गया है और इसके अलावा जितने भी वाटरफॉल्स हैं वहां पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन बढ़ते पानी को देखते हुए पर्यटकों को रोकने के लिए कोई इंतजाम स्थानीय स्तर पर नहीं किए गए हैं। वहीं श्योपुर में मूसलाधार बरसात से शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बड़ौदा इलाके में बाढ़ के पानी में फंसे 12 छात्र छात्राओं और 35 गांव वालों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तो वहीं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में फंसे लोगों का प्रशासन की टीम ने ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया। जिले में बहने वाली अमराल नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते बड़ौद चारों तरफ से पानी में घिर गया और कई लोग घरों की छत पर फंसे हुए दिखाई दिए। वहीं दमोह में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ नदी में समा गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर चालक किसान को तैरना आता था और उसने तैरकर अपनी जान बचा ली। मामला बटियागढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां किसान अपने ट्रैक्टर से खेत में बुआई करने गया था। लौटते वक्त उसने कीचड़ लगे अपने ट्रैक्टर को धोने के लिए नदी में ट्रैक्टर उतारा, लेकिन गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से पूरा ट्रैक्टर ड्राइवर समेत नदी में समा गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे गांव वालों ने जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला।